उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पदभार संभालने के बाद और फिर अपनी पहली कैबिनेट के बाद उन्होंने सबसे पहले डीडी न्यूज को अपना साक्षात्कार दिया था और एक बार फिर हम हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश में ही 100 दिन पूरे हुए हैं योगी सरकार के और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन को चुना, डीडी न्यूज को चुना है अपने पहले साक्षात्कार के लिए 100 दिन के बाद। जानेंगे आज हम उनसे कि इन 100 दिनों में जो उनके तमाम आदेश रहे, उनकी योजनाएं रही, उनका जिस तरह का रोड मैप था उसमें कितना वो कामयाब दिखाई देती है उनकी सरकार, साथ ही इन 100 दिनों में क्या कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं उनके, जिनसे निपटना है उनको अब आने वाले समय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगी जी। और सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगी कि दूसरा साक्षात्कार भी आपने उसके लिए सबसे पहले डीडी न्यूज़ को ही चुना है। लेकिन सवालों की अगर शुरुआत करूँ तो 100 दिन में वो कौन सी उपलब्धियां हैं आपकी जो आप जनता को बताना चाहेंगे और किस तरह की चुनौतियां आपको लगता है आपके सामने आई हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में कार्य संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उस कार्य संस्कृति को पुनर्जीवित करना हम सबके सामने एक चैलेंज है। हमने उसको स्वीकार किया और उसके लिए एक टीम भावना के साथ पूरे प्रदेश के अंदर काम प्रारंभ हुआ है। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में कुछ तो समय लगेगा, लेकिन हाँ, इस दौरान कार्य हुए हैं और उन कार्यों ने देश प्रदेश के अंदर एक नए विश्वास को जन्म दिया है। आज जनता को लगता है कि हाँ, इस समस्या का समाधान होगा। उन्हें सरकार पर विश्वास है, वे सरकार के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के कार्यक्रमों में सहभागी बन रहे हैं और मुझे लगता है कि यह विश्वास हमारी एक पूंजी है और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। मैंने जो पहले ही कहा है कि कार्य संस्कृति को पुनर्स्थापित करना, जिसको प्रदेश में राजनीतिक भ्रष्टाचार ने, राजनीति में परिवारवाद और जातिवाद ने समाप्त कर दिया था। व्यक्ति विशेष और परिवार विशेष के लिए यहाँ की संस्थाओं को नष्ट किया गया था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया था, उससे उभारना ये हम सबके सामने एक चैलेंज था और हम उसको उभार रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दे रहे हैं जो जनता के प्रति अधिकाधिक संवेदनशील और जवाबदेह हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, अपराध और गुंडा राज से मुक्त हो और उसको प्रदेश के अंदर एक बार पुनः स्थापित। आपने अपने 100 दिन पूरे होने पर बुकलेट जारी करी और उसमें विस्तार से तमाम क्षेत्रों के बारे में उसमें दिया हुआ है किस तरह की आपकी उपलब्धि रही और आगे आप क्या करना चाहते हैं, वो चाहे किसानों का मसला हो, महिलाओं का मसला हो। एक दो मसले ऐसे जिनको लेकर बात चुनाव से पहले भी हो रही थी, चुनाव के बाद आपने सख्ती भी की, अवैध बूचड़खानों पर जो सख्ती आपने की, आज अगर आपसे जनता जानना चाहे तो अवैध बूचड़खानों में क्या कामयाबी है और आगे आप किस तरह से उस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे? देखिए, हम लोगों ने सत्ता संभालने के तत्काल बाद दो कार्य प्रारंभ किए थे और मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही दोनों के बारे में हम लोगों ने कार्रवाई की थी। एक अवैध बूचड़ खानों को बंद करने के बारे में और दूसरा एंटी रोमो स्क्वाड, बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके। अवैध बूचड़ खानों पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरी तरह लगाम लगाया, उन्हें बंद किया। इसके कारण अवैध पशु तस्करी भी प्रदेश के अंदर रुकी। कुछ लोगों ने न्यायालय में जाकर के इस संबंध में कुछ आदेश जारी किए हैं, न्यायालय के उन आदेशों की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और फिर उन आदेशों के क्रम में हम लोग आगे कार्रवाई भी करेंगे। प्रदेश में इलीगल स्लॉटरिंग बंद हुई है, पूरी तरह बंद है। चोरी छुपे कहीं जगह कुछ जगह मामले आ रहे हैं तो प्रशासन हरकत में आया है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इलीगल स्लॉटरिंग हम यूपी के अंदर नहीं होने देंगे। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन करके ही कोई व्यक्ति स्लॉटरिंग कर पाएगा, अन्यथा प्रदेश सरकार कोई इजाजत उनको नहीं देगी। वैसे ही हम लोगों ने एंटी रोमो स्क्वाड जब गठित किया था तो उस समय तमाम प्रकार के प्रश्न उठे थे
यद्यपि महिलाओं की तरफ से हमें समर्थन मिला था, लेकिन बहुत सारे संगठन थे जो लोग उस समय हो हल्ला मचा रहे थे। कार्रवाई कुछ दिन शिथिल भी रही, लेकिन हम लोगों को लगा कि ये कार्रवाई अब चलनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और ये आगे भी चलता रहेगा। आपने जिस समय सत्ता संभाली और शुरुआत जब आपकी थी, तो एंटी सोशल एलिमेंट जो उत्तर प्रदेश में था वो डरा, वो सहमा उस सख्ती से, लेकिन अब पिछले 100 दिनों में जो देखने को मिल रहा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा प्रश्न आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के लिए बना, जिस पर आपकी सख्ती दिखाई दे रही थी, चाहे वो आपके औचक निरीक्षण थे और तमाम आपने जो दिशा निर्देश दिए, आखिर क्या बात है कि अब जो स्थिति है वो बदली हुई दिखाई दे रही है? क्या वो डर कम हो गया है? देखिए, हम लोगों ने जब सत्ता संभाली थी तो उस समय प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश में जंगल राज था, प्रदेश में कानून का कोई राज नहीं था। उस समय यहाँ पर इल्लीगल माइनिंग हो रही थी, इल्लीगल स्लॉटरिंग हो रही थी, उस समय यहाँ पर तमाम अन्य प्रकार के भूमाफिया भी सरकारी भूमि के साथ साथ गरीबों की भूमियों पर कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद जो अवैध खनन था इसको रोका, अवैध वन कटान को रोका, अवैध जो बूचड़ खाने थे इनको रोका। अपने अवैध खनन के लिए पोर्टल भी जारी किया? नहीं, हम लोगों ने उसकी पूरी पॉलिसी तय कर दी है और वो पॉलिसी इस समय प्रदेश के अंदर लागू हो चुकी है। इससे प्रदेश को राजस्व की भारी वृद्धि हुई है, तो स्वाभाविक रूप से जो इतने अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्व थे, इन लोगों को एक साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चोट करने का एक अवसर मिला। लेकिन इन सब की गतिविधियों पर हमारी नजरें हैं, उनको सख्ती से रोका भी जा रहा है। अब तक मैं मान के चल सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि जितनी भी गतिविधियां उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की हैं, उसमें सख्ती के साथ रोक लगाई गई है। अधिकतर मामलों में कार्रवाई हुई है, बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। अपराधी जेल के अंदर हैं, उसके संरक्षणदाता भी जेल के अंदर हैं। एक दो मामले जो बचे हुए हैं उनमें भी यही प्रभावी कार्रवाई होने जा रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। एक दूसरा, जो लोग इल्लीगल गतिविधियों में लिप्त थे, उन लोगों को स्पष्ट संदेश है कि वे अपनी कोई भी अवैध गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित नहीं कर पाएंगे, और अगर उन्होंने कानून को चुनौती दी तो कानून फिर अपने तरीके से कार्य भी करेगा। योगी जी, जो आप कह रहे हैं, अगर कुछ लोगों के निहित स्वार्थों को आघात हुआ है इस सख्ती से कानून व्यवस्था पे जो कड़ाई की गई, सहारनपुर की घटना या फिर ग्रेटर नोएडा की जो घटना है, सहारनपुर की घटना ने उत्तर प्रदेश की जनता को भी हिलाया, आपका प्रशासन और मुझे लगता है पूरा महकमा भी हिला। क्या आपको लगता है प्रशासन की कहीं ढील रही, या उन परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाए, या आपकी सरकार नहीं समझ पाई जो जातिगत हिंसा में तब्दील हो गई? देखिए, अगर आप देखेंगे तो सहारनपुर की हिंसा की पृष्ठभूमि में भी बैकडोर से वही तत्व थे जो वहाँ पे इल्लीगल माइनिंग में लगे हुए थे, और इल्लीगल माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को जब रोका गया, सख्ती के साथ रोका गया, तो उन लोगों ने चूंकि अवैध रूप से उन्होंने बहुत धन उपार्जन किया है, तो उसको कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट करना था। इसके पीछे भीम आर्मी के पीछे वे तत्व हैं, वे लोग उसको फाइनेंस कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, और ये हिंसा वहाँ से क्रिएट की गई, वहाँ से पैदा की गई। आप देखे होंगे 100 दिन में प्रदेश के अंदर एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, पिछली सरकार में हर सप्ताह एक दंगा होता था। इस सरकार के समय ये एक उपलब्धि है कि 100 दिन हो गए हैं, एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। ये सख्त काव है। एक जातीय संघर्ष करने का प्रयास सहारनपुर के अंदर हुआ, लेकिन प्रदेश की ही पुलिस ने सख्ती के साथ उसको रोका और नियंत्रण में है। जो उसके मुख्य अभियुक्त थे वे सब जेल के अंदर बंद हैं, जो बाकी साजिश करते हैं कुछ अंदर हैं, कुछ लोगों को अभी गिरफ्त में लिया जा रहा है। छूटेगा कोई नहीं, किसी निर्दोष को हम छेड़ेंगे नहीं,
लेकिन किसी दोषी को हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये हमारा संकल्प है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जेवर की, अभी उसकी तह में हम लोग जा तो चुके हैं, लेकिन जो उससे जुड़े हुए अभियुक्त हैं वो प्रदेश छोड़ करके भागे हुए हैं, वे हमारे रडार में हैं और समय आने पर बहुत सख्त कार्रवाई उस मामले में होने जा रही है। मैं स्वयं उन पीड़ितों से मिला था जो जेवर के थे, घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी, आपको सुन रही है जनता इस समय, और जनता को ये भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो दिन रात एक करके एक प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए और पूरे राज्य में कानून व्यवस्था कायम रहे उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है आपकी योजनाएं और आपका जो प्लान है, रोड मैप है, उस पर ब्यूरोक्रेसी उस तरह से काम नहीं कर रही, कहीं वो तारतम्य नहीं बैठ रहा? देखिए, मैंने कहा ना शुरू में ही, पिछले 15 वर्षों ने प्रदेश की कार्य संस्कृति को नष्ट कर दिया था। कार्य संस्कृति यहां राजनीतिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, एक व्यक्ति विशेष के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, एक परिवार विशेष के भ्रष्टाचार और उनके निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ गई थी, एक बिगड़ी हुई व्यवस्था, एक पूरी पीढ़ी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिसने सुशासन देखा ही नहीं, जिसने डेवलपमेंट देखा ही नहीं। आज जो हमारे जिले में कलेक्टर हैं या एसपी एसएसपी हैं या डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, ये पिछले 12-15 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर कार्य किए हैं, जिन्होंने कभी कोई निर्णय अपने विवेक से लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर अपने विवेक से निर्णय लेंगे तो फिर आप नाप दिए जाएंगे। जिनकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी, उनकी स्थिति सर्कस के उस शेर की तरह हो गई थी जो सर्कस के मालिक के इशारे पर केवल नाचता था। हमने प्रशासन को कहा कि भाई आप निर्णय लेने की क्षमता तय करिए, क्या होना है क्या नहीं होना है, जनता के प्रति संवेदनशील बनिए, विकास के प्रति आग्रही बनिए, और निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। उसको एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने में समय लग सकता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन ये होगा ठीक। मुझे सहारनपुर में ही चीज देखने को मिली, सहारनपुर में बिना शासन को विश्वास में लिए मायावती जी को वहां जाने की अनुमति दे दी प्रशासन ने। मैंने जब यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को डीजीपी से पूछा, मैंने कहा भी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको किस आधार पर वहां जाने की अनुमति दे दी गई, जबकि वहां पर जातीय हिंसा है और कुछ लोग जातीय हिंसा में उसको सुलगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा साहब डीएम एसपी ने कहा, एसएसपी ने कहा है कि ऐसी कोई मामला नहीं। मैंने कहा क्या आप मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, कैसी बात करते हैं? जिन लोगों ने हमेशा जातीय वैमनस्यता को भड़काया है, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे जाकर के वहां शांति का उपदेश देंगे? और ऐसे समय में जब माहौल तनावपूर्ण हो, किसी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा, अगर बहुत आवश्यक होता उनका जाने का तो उनको वहां से दिल्ली से ले जाके हेलीकॉप्टर साहब ले जाके वहां कार्यक्रम करवा देते, मिलवा के लेके वापस कर देते। मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया डीएमएसएसपी ने, शाम को नाप दिए गए, सख्त कार्रवाई की हम लोगों ने तब भी, कि अगर आप अपने अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं है, अपनी ड्यूटी के प्रति जवाबदेह नहीं है, तो सरकार आपको सजा देगी। और मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर चुका हूं, मैं तय कर चुका हूं, सबको उनके कार्य के बारे में बता चुका हूं आपकी क्या ड्यूटी है। अगर अब कोई व्यक्ति अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी के साथ नहीं कर सकता है, अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही नहीं हो सकता है, तो मेरे सामने सख्त कार्रवाई करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि मुझे किसी अधिकारी को या किसी एक व्यक्ति को नहीं देखना है, मुझे प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित को देखना है। प्रदेश की जनता की सुरक्षा और प्रदेश के विकास, ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, हमें इसके साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी है, और ये हम लोग तय कर चुके हैं। दो चीज़ें और इसी से जुड़ी, योगी जी, जो आपने बात कही शक्ति की बात की, जो हमने महिला स्क्वाड जो आपने बनाया था उसको लेकर भी इस तरह की खबरें आईं कि कुछ लड़कों को यूं ही ज़बरदस्ती
पैसा वसूलने के लिए पुलिस वालों ने कुछ लोगों से मिलकर इस तरह की हरकत की, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं उसको आप कैसे काबू करेंगे? एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में जब प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, देखिए इसमें हम लोगों ने 8,55,000 मामले पूरे प्रदेश के अंदर चिन्हित किए थे जिसमें पुलिस ने जांच की कार्रवाई की। 8,55,000 में से आप कैसे मान सकते हैं कि 8,55,000 से ऊपर मामलों में जहां पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें 1-2-4 मामले आ सकते हैं जिसमें हो सकता है कि निर्दोषों को भी पुलिस ने हो सकता हो किया हो। पुलिस के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि सड़क पर चल रहे कुछ लोगों का झुंड है तो उसमें वो पहचान सके कौन अपराधी है कौन नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद 8,55,000 में से जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसमें लगभग 3.5 लाख लोगों को किसी न किसी मामले में निरुद्ध पाया गया। बाकी जो आपके 5 लाख के आसपास लोग हैं उस उन लोगों को तो पुलिस ने छेड़ा नहीं, पूछताछ करके वहीं से छोड़ दिया। 3 लाख 3.5 लाख के आसपास लोगों को पुलिस ने पूछताछ की, उनके अभिभावकों को बुलाया, उसके बाद उनको अभिभावकों को सौंपा। कुछ मामले थे लगभग 1300 के आसपास मामले थे जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की। हम लोगों को देखिए दोनों चीजों के बारे में हम नहीं कह सकते, अगर पुलिस किसी कार्य के लिए एक वो बना रही एक व्यवस्था बना रही है तो उसके लिए हम कोई फिर प्रिविलेज की बात नहीं कर सकते कि साहब नहीं मेरे पे ये कानून लागू नहीं होगा, अगर होना है तो सब पे लागू होगा। और मुझे लगता है कि समस्या वहीं से प्रारंभ होती है जब कोई वर्ग विशेष कोई सेक्शन विशेष अपने लिए चाहता है कि नहीं साहब पुलिस को जांच नहीं करना चाहिए, पुलिस को पेट्रोलिंग नहीं करना चाहिए, पुलिस को फुट पेट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। कैसे संभव हो पाएगा? पुलिस जाएगी पूछताछ करेगी, अब पूछताछ करने पे भी लोगों को बुरा लग रहा है, पार्क में अंधेरे में बैठे हुए 2 लोग हैं वो पता नहीं किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं, आप पार्क में क्यों अंधेरे में बैठे हुए हैं? आप जाइए अपने घर में, क्या आप अपने अभिभावक से पूछ के आए हैं क्या? अगर पुलिस उस बात के लिए उनसे पूछ रही है कि भाई क्यों तुम यहाँ बैठे हुए हो, अब उसको कोई मुद्दा बना रहा है तो ये गलत बात है। मुझे लगता है रोका जाना चाहिए इस प्रकार की गतिविधियों को। योगी जी, क्या यही सख्ती उन लोगों के साथ भी है वो चाहे सत्ता में बैठे कुछ लोग हो या मंत्री हो, जब कोई किसी तरह की कोई बदसलूकी करते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले भी सामने आए हैं। कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं, जो भी गलत करेगा कानून अपना कार्य करेगा। एक और घटना योगी जी, जिस तरह से हम कश्मीर में देखते हैं जो पत्थरबाजी हो रही है चाहे वो सेना पे होती है, अभी मुजफ्फरनगर बिजनौर और बरेली में जो हालात पैदा हुए पिछले 2 दिन में जिसमें ये देखा गया कि कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए पत्थरबाजी या पुलिस पे हमला किया गया, ये एक नई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। उसमें मुजफ्फरनगर में पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, 3-4 घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं और सब में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ऐसा नहीं कि कोई घटना करे उसके बाद छूट जाए, कोई भी होगा अगर वह कानून को हाथ में लेगा तो कानून फिर अपना कार्य करेगा और बहुत सख्ती के साथ करेगा। मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने कार्रवाई की है, बरेली में कल कार्रवाई की है और आगे आने वाले समय में कहीं भी कोई व्यक्ति कानून के साथ कानून को हाथ में लेगा तो कानून सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा ऐसे तत्वों के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ जी, एक आपके मंत्री हैं जिनका बयान था कि मुसलमान तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार खर्चा वहन करेगी। आपने कहा था कि आपकी सरकार किसी का भी तुष्टीकरण नहीं करेगी, फिर जब इस तरह का बयान आता है तो क्या वजह है कि हिंदू महिलाएं छूट जाती हैं और हिंदू महिलाओं की बात नहीं होती है? देखिए उन्होंने ये नहीं कहा होगा ना कि मुस्लिमों के तलाकशुदा हों, विधवा हों, कोई भी हो, मुझे लगता है कि तलाकशुदा ज़्यादा महिलाएं मुस्लिम समाज में हैं, विधवा महिलाएं कहीं भी हो सकती हैं, अनाथ बच्चे कहीं भी हो सकते हैं। अगर उनके संरक्षण की बात सरकार कर रही है, उनके लिए हॉस्टल बनाने की बात सरकार कर रही है, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके भत्ता की बात सरकार कर रही है, गलत नहीं। हमारे यहाँ एक योजना है महिला कल्याण विभाग में, रानी लक्ष्मीबाई योजना, इस योजना के अंतर्गत हम लोग तलाकशुदा या परित्यक्ता या विधवा महिलाओं के भरण पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने उस मंत्रालय से इस बारे में कहा है कि आप इसकी कार्य योजना बनाएं और हम लोगों को इस मामले में एक पहल करनी चाहिए उनके, जिससे उनका संरक्षण हो सके और वे बच्चे ठीक ढंग से पढ़ सकें, हॉस्टल में उनकी व्यवस्था की जा सके।
कार्ययोजना तैयार हो रही है, मुझे लगता है शीघ्र ही हम इस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें कोई तुष्टिकरण नहीं है, ये तो एक आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक आधी आबादी के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक मामला है, उनके भरण पोषण से जुड़ा हुआ मामला है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपके एक मंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाना चाहिए, एकाएक इस पर बात होने लग गई, इसकी क्या वजह? देखिए, ऐसे ख़त्म करने की कोई बात नहीं है और इस प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। इसमें सेंडल जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ जांचें करवाई गई थी, उसके कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए थे, तो हमने उसको CBI को रेफर कर दिया है पूरी जाँच को, क्योंकि वक्फ की संपत्ति को, बहुत सारी संपत्ति को बेचने के प्रकरण सामने आए हैं और उसमें हजारों करोड़ की संपत्ति को बेचने के मामले सामने आए हैं, तो हम लोगों ने उसको CBI को भेज दिया है। CBI उसकी जांच करेगी, उसके जो भी निष्कर्ष आएंगे फिर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। विकास की आपने बात की, आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, जहां विकास की तमाम आधारभूत संरचना को विकसित करने की बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है किसान कर्ज माफी में जो राजकोषीय घाटा है वो 36,000 करोड़ का है, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भी तकरीबन 34,000 करोड़ का और अब सरकार पर बोझ आ रहा है। तो ऐसे में जो बात हो रही है कि वो सारी योजनाओं पर क्या असर नहीं पड़ेगा जो आप विकास की सोच रहे हैं, खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए, हम लोग प्रदेश के विकास और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको किसी को बंद नहीं करने जा रहे हैं। प्रदेश के विकास को हम द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। ऋण माफी लघु और सीमांत किसानों के 1,00,000 तक की ऋण माफी की जो योजना है वह हमारे लिए ऋण माफी नहीं बल्कि किसानों के सतत विकास और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया का हिस्सा हमारे लिए है। देखिए, 15 वर्षों के दौरान प्रदेश का किसान पूरी तरह तबाह हुआ है, उसको उसकी उपज का दाम मिलने की बात तो दूर, उसको समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। पिछली बार गेहूं प्रदेश सरकार ने आढ़तियों के माध्यम से खरीदा था 7,00,000 मीट्रिक टन, इस बार हम लोग खरीदे हैं लगभग 37,00,000 मीट्रिक टन। हम लोगों ने किसानों से सीधे खरीदा, समर्थन मूल्य के साथ साथ ढुलाई और लदाई का उसको 10 रुपये अतिरिक्त दिया और उसने सीधे आकर के वह आया। उसको पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम लोगों ने गेहूं क्रय केंद्र स्थापित करने की बात कही तो उस समय हम लोगों ने जब प्रशासन से चर्चा की कि भई ये होना है, तो उन्होंने कहा साहब ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। हमने कहा होगा, हम लोगों ने इस पर चर्चा की, मैंने स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की कि हम किसानों को करना चाहते हैं, हम कैसे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ मालूम कर लें, छत्तीसगढ़ में एक सिस्टम, उन्होंने प्रोक्योरमेंट की एक पॉलिसी बनाई हुई है जो मैंने सुना है, एक बार अगर वहाँ टीम जाके देख लें। हमने छत्तीसगढ़ टीम भेजी, छत्तीसगढ़ से पहले टीम आती कि इससे पहले ही यहाँ की प्रशासन स्वयं खड़ा हो गया था। हम लोगों ने 5100 से अधिक सेंटर खोले पूरे प्रदेश के अंदर और मेरे पास तमाम आढ़ती आए, तमाम जनप्रतिनिधि भी आए। उन्होंने कहा साहब आढ़तियों से खरीदा जाता था, यहाँ किसान कभी नहीं देता था। मैंने कहा नहीं, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि हम किसानों से सीधे खरीदेंगे, पैसा किसान को मिलना चाहिए। तो उसके बाद मार्केट में दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, क्योंकि 1625 और 10 रुपये तक 1635 हम दे रहे थे, 1650 मार्केट में दाम हो गया। किसान पहले मार्केट में लेके गया, लेकिन जब उसने देखा कि मार्केट में 1650 मिल तो रहा है लेकिन उसमें घट तो नहीं हो रही है, एक कुंटल में 10 किलो के आसपास कम तोले जाने की शिकायत जब आई तो उसने फिर हमारे सेंटर में आना शुरू किया। और आश्चर्य करेंगे कि 37,00,000 मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश सरकार ने पहली बार खरीदा है, कई वर्षों के बाद इतना गेहूं का क्रय प्रदेश में हुआ है। आलू किसानों को राहत देने के लिए पहली बार प्रदेश में आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, केंद्र सरकार के सहयोग से हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार से हम लोगों ने अनुरोध भेजा था, उन्होंने हमें अनुमति दी, हम लोगों ने इसके लिए कार्य प्रारंभ किया। ऐसी गन्ना किसानों के जीवन को भी आप लोगों ने बदला। पिछली बार तक गन्ना किसानों का जो मैक्सिमम जो भुगतान हो पाता था वह 13,000 करोड़ तक भुगतान हुआ है। हम लोगों ने एक समय सीमा के अंदर अब तक हम 22,500 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करवा चुके हैं। 3-4 ग्रुप हैं जिन पर पैसा किसानों का बाकी है,
उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसका भुगतान करने की भी तैयारी हमारे स्तर पर चल रही है। ये कार्रवाई तो होगी, किसानों हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले। पहली बार हो रहा है कि प्रदेश में बीज और खाद की समस्या न होने पाए, पर्याप्त मात्रा में खाद हर जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है, उन्नत किस्म का बीज प्रत्येक जनपद को उपलब्ध करा दिया गया है, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए इसके लिए हम लोगों ने यह व्यवस्था बनाई है। जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, अगर ये सब आंकड़े उन्होंने कभी किए होते तो उनको पता होता कि कार्य कैसे होता है। पहली बार है बुंदेलखंड में पेयजल का संकट नहीं आने पाया, जबकि हाहाकार मचता था पूरे मई जून के दो महीने में, हाहाकार पूरे बुंदेलखंड में होता था। इस बार बुंदेलखंड में लोगों को पेयजल का संकट नहीं आया है। अगर एक दो गाँव में कहीं रहा भी होगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएँ की, लेकिन कोई संकट इस प्रकार का वहाँ पर नहीं था, इस बार नहीं आया है। और हम आने वाले दो वर्ष के दौरान तो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर को बदल देंगे। हम लोग केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही नहीं बना रहे हैं, हम लोग बुंदेलखंड को भी एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं और उसको हम लोग तिरवा से लेके झांसी तक और झांसी से चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद तक इसको हम लोग 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई है। और लखनऊ से बलिया तक इसमें अयोध्या को भी हम जोड़ेंगे और काशी को भी जोड़ेंगे। ये सब कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई है और मुझे लगता है कि हम एक समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे ही। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग दिवस के दिन आपकी सरकार की तारीफ भी की और जिस तरह जिस रफ्तार से चल रही है उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र करा। महिलाओं और लड़कियों को लेकर खूब पढ़ो खूब बढ़ो जो योजना आपकी है, इसको आप किस तरह से आगे ले जा रहे हैं और इस पर नजर रखने का क्या मैकेनिज्म, मतलब कि जमीन पर कार्रवाई हो रही है? इसमें मैं प्रदेश के अंदर लगभग सभी जनपदों के साथ संवाद कर चुका हूं और इसमें हमने अपने बेसिक शिक्षा को और माध्यमिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ा है। जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर के स्कूल चलो अभियान को हाथ में लिया है और हम लोगों का प्रयास है कि प्रदेश का हर बच्चा स्कूल जाए, उसके लिए एक अभियान चल रहा है और उसको हम लोगों ने नाम दिया है कि खूब पढ़ो आगे बढ़ो। इसमें जो बच्चे प्रतिभावान हैं उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी हम लोग जारी करने जा रहे हैं, साथ साथ 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म दी है जिससे वह उसके अंदर कोई हीन भावना ना पैदा होने पाए। तो कॉन्वेंट की ही तर्ज पर, किसी पब्लिक स्कूल की ही तर्ज पर उसको हम यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं, उसको हम जूते देने जा रहे हैं, उसके मोजे देने जा रहे हैं, उसको बैग देने जा रहे हैं, उसको बुक्स देने जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएँ हम उन बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया हमारी जुलाई में पूरी हो जाएगी। जुलाई के अंदर प्राथमिक विद्यालयों की पूरा माहौल बदला हुआ दिखाई देगा। एक दूसरा, ट्रांसफर पॉलिसी भी हम लोगों ने लागू कर दी है, छात्र शिक्षक का अनुपात बना रहे, ऐसा ना हो कि छात्र कम है शिक्षक ज्यादा हैं और कहीं छात्र हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, इसको हम लोगों ने पूरी तरह बदल करके रख दिया है और उसको पूरी तरह लागू किया जा रहा है। एक अभियान के क्रम में हम लोग लेंगे, हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि कम से कम एक विद्यालय वे गोद लें। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे एक विद्यालय गोद लें और मॉनिटर करें, एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करें। इस बार हम इतना कर पाएंगे कि बच्चों की 70% उपस्थिति विद्यालय में हो, हर विद्यालय में शिक्षक हो, वहाँ पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के हम लोग प्रयास करेंगे। अगले वर्ष इस पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने हैं उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग स्टडी ग्रुप बनाए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आने दें, हम उस पर कार्य करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश का बालक भी, यहाँ का जो छात्र है, छात्रा है, वह भी देश के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपने को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य पा सके, इस दृष्टि से उसको आगे बढ़ाने की हम कार्रवाई करेंगे और इस पर हमारी कार्य योजना प्रारंभ हो चुकी है। और अभी तो हमारे सामने है कि 1 जुलाई से जब विद्यालय खुलेंगे तो बच्चों की उपस्थिति विद्यालयों में हो,
इसके लिए हर विद्यालय से जुड़ी हुई जो जिनकी जो है जिन जिन जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनमें एक पेरेंट्स की एक जो है हम लोगों ने कमेटी गठित की है इस देश से, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में भी एक कमेटी इसमें गठित हुई है और एक बृहद योजना को लागू किया जा रहा है जिससे 100% उपस्थिति विद्यालयों में बच्चों की हो और वहां पर पठन पाठन का एक माहौल पैदा हो। एक सवाल हिंदू युवा वाहिनी को लेकर लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, जब कानून व्यवस्था की भी बात हुई, मॉरल पुलिसिंग की तर्ज पे काम करने लग गई, क्या आपको लगता है जो आप तमाम सामाजिक कार्य मतलब इसमें जिसमें आप समाज की भागीदारी चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप हिंदू युवा वाहिनी को इस तरफ मोड़ना सही है क्योंकि वो लगातार जिस तरह से खबरों में बनी हुई है और कुछ तत्व उग्र हो भी रहे हैं? देखिए, कोई भी कानून को हाथ में लेगा वो हिंदू युवा वाहिनी कोई हो, पुलिस बहुत ठीक से इनको बिल्कुल ठीक कर देगी और हम लोगों ने प्रशासन को इसके बारे में पूरी छूट दी है कि कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो ऐसा सबक सिखाइए कि आने वाले समय लोगों के लिए नजीर बने। हाँ योगी जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये कह दिया कि उनको संरक्षण है सत्ता का, इसलिए कह दिया गया है। कल बरेली में कार्रवाई हुई है, बहुत सख्त कार्रवाई, आवश्यकता पड़ेगी तो हम NSA भी लगाएंगे। सबका साथ सबका विकास केंद्र सरकार का नारा, उसी नारे को लेकर आप भी आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए क्या आपके टारगेट हैं? कुछ जनता भी जानना चाहेगी, हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो इसे ध्यान में रख करके हम लोगों ने अपनी एक कार्य योजना प्रारंभ की है। प्रदेश में अपराध और माफिया गिरी को देखते हुए एक सख्त कानून की आवश्यकता है और वो कानून हम बहुत शीघ्र लाने जा रहे हैं। अपराध ही नहीं, अपराधियों के संरक्षण दाताओं की कमर भी तोड़ के रख दी जाएगी, उस प्रकार का कानून हम प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। प्रदेश का औद्योगिक विकास हो, हमारी नई औद्योगिक नीति बहुत शीघ्र आ रही है और मेरा विश्वास है कि बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से होगा। हम प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हर परिवार के एक नौजवान को कौशल विकास के साथ जोड़ करके उसके स्वावलंबन के लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो ये रोजगार सृजन की तरफ एक बड़ा कदम एक बड़ा कदम होने जा रहा है। आज मेरी प्रदेश के बैंकर्स के साथ बैठक है, स्टेट लेवल की बैठक है। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बैंक की प्रत्येक ब्रांच से इस बारे में कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति के एक सदस्य को और एक महिला को रोजगार के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करना है। आज मैं उनके साथ बैठने जा रहा हूं। प्रदेश के अंदर 16,500 से अधिक बैंक की शाखाएं हैं। एक वर्ष में एक बैंक की शाखा एक अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को और एक महिला को अगर स्वावलंबन की ओर अग्रसर करे तो एक वर्ष में 33,000 ऐसे परिवार उससे कवर हो जाते हैं। तो इसकी पहल को लेकर के हम लोग बैठने जा रहे हैं, एक नए उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को मानूंगा कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी न केवल आत्मनिर्भर होगा अपितु देश के अंदर एक बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के अंदर के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख पाएंगे। योगी जी, मीडिया का काम है कि सत्ता पर भी नजर रखना क्योंकि वो चौथा स्तंभ है। हम भी नजर रखेंगे आपके तमाम और कार्यों पे, जिस तरह से हम लगातार आपके इस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार क्या कर रही है उस पर हमारी नजर है। हम फिर आपसे मिलेंगे कुछ वक्त के बाद और देखेंगे कि किस तरह से आपने गिनाया है कि कानून व्यवस्था कायम रखना आपकी प्राथमिकता है और आने वाले वक्त में रोजगार भी लोगों को मिलेगा। तो इन दो बातों पर एक बार फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे और बात करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत।